हे विहंगम योग की त्रिवेणी है, इसका नाम है सेवा, सत्संग और साधना। इस त्रिवेणी में स्नान से एक साधक अंतःकरण से शुद्ध हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, अनंत आनंद एवं अनंत शांति का वह अनुभव करता है। उस असीम शक्ति के साथ उसकी चेतना जुड़ जाती है, वह चेतन आधार पर स्थित हो जाता है। बड़ा निराला पक्ष है, सूक्ष्म पक्ष है, गहन है, सूक्ष्मता में शक्ति है, ये ब्रह्म विद्या का आधार है, ये स्वर वेद का दर्शन है। ले चलता हूं आपको स्वर वेद में, तन्मय होकर आप सभी स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, साक्षात कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, ये सदगुरु की वाणी है। इसका आधार समाधि का अनुभव है, इसका आधार अध्यात्म का समस्त अनुभव है। अध्यात्म के अनुभवों से ही यह स्वर वेद है। तन्मय होकर आप सभी स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण कर लें। सबके पास स्वर वेद होना चाहिए। साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। परिवार में परस्पर प्रेम सद्भावना का माहौल बन जाता है, एक दिव्य आध्यात्मिक परिवेश ही निर्मित हो जाता है। स्वर वेद से शुभ संस्कारों का उदय होगा, अशुभ संस्कार नष्ट होंगे, विवेक जागृत होगा, अविद्या अंधकार नष्ट होगा। ये स्वर वेद का स्वर है, इसमें इतनी शक्ति है, इतना प्रवाह है। यह अध्यात्म का महाशास्त्र है, यह अध्यात्म की गाथा है, यह भारत की आध्यात्मिक संस्कृति है। तन्मय होकर आप सब दिव्य वाणियों का श्रवण कर ले, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ज्ञान तो जीवन चक्षु है, ज्ञान पंथ प्रकाश। ज्ञान तो जीवन चक्षु है, ज्ञान पंथ प्रकाश। ज्ञान तो योग आधार है, ज्ञान बिना सवनाश। ज्ञान तो योग आधार है, ज्ञान बिना सवनाश। सर्व शोध है ज्ञान,
सत पथ ज्ञान से, ज्ञान से अनुभव ध्यान, दर्श सत पथ ज्ञान से, ज्ञान से अनुभव विद्या विहंगम योग का प्रकाश है, ये ब्रह्म विद्या की धारा है, ये स्वर वेद का स्वर है जिसके द्वारा अंधेरा हटता है, छट जाता है अंधेरा, अज्ञानता नष्ट होती है, मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है और जो वस्तु जैसी उसका वैसा ही प्रत्यक्ष होता है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा समझना मानना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा, हाँ, वस्तु कुछ है और कोई उसको दूसरा समझ रहा है, उससे भिन्न उसका ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो इसी को अविद्या कहते हैं। वस्तु कुछ है और ये उसे कुछ अन्य समझ रहे हैं, जो वस्तु जैसी उसको वैसा समझना मानना आचरण करना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान, कोई संशय ना हो, कोई भ्रम ना हो, संशय और भ्रम में कोई उन्नति नहीं है। तो जो वस्तु जैसी उसको वैसा समझना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, विपरीत ज्ञान, इसी को अविद्या कहते हैं, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। कोई अब संसार को सब कुछ समझ ले, इन भोगों को, इन पदार्थों को सब कुछ समझ ले, बैंक बैलेंस को सब कुछ समझ ले, जमीन जायदाद को सब कुछ समझ ले, तो ज्ञान का अभाव थोड़े ही है, ये सब ज्ञान रखा है, लेकिन इनका ज्ञान कैसा, इनका ज्ञान मिथ्या, इनका ज्ञान विपरीत,
सब कुछ संसार के भोगों को समझ ले, सब कुछ संसार के पदार्थों को समझ ले, सब कुछ शरीर के सुखों को समझ ले, इन भौतिक पदार्थों ऐश्वर्यों को समझ ले, तो कैसा ज्ञान? ये ज्ञान मिथ्या है, ये ज्ञान असत्य है। संसार से सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन कैसा? अल्पकाल का, क्षणिक, विनाशी, मिटने वाला। हाँ, धर्म से, विवेक से, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, काम का सेवन श्रेयस्कर है, लेकिन भोगों की अधिकता दुख को बढ़ाएगी। संसार के भोग शांत नहीं होते, भोगों से पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं देखा गया। नियंत्रित होकर, संयमित होकर संसार में रहना, यही विवेक है, यही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। संयम आत्म होत महाना, संयम से आत्मा महान होती है, आत्मा बलवान होती है। तो संसार के सुख में दुख मिश्रित है। संसार का सुख कैसा? इसमें दुख निश्चित रूप से रहता है। गुलाब का फूल है, कांटे लगे हुए हैं। एक संसार का सुख है, एक 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 संसार का सुख है, और इस एक सुख में एक नहीं, चार चार प्रकार के दुख भी मिले हुए हैं। एक संसार का सुख अपने पीछे दुखों को लेकर चलता है, परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है, और गुण वृत्ति विरोध का दुख है। एक संसार के पीछे पीछे दुख भी चलते हैं। ये सुख दुख का ही तो क्रम है, चक्कर है साहब। ये सुख है, ये दुख है, संसार के पदार्थों में ऐसा ही अनुभव है। विवेकी जानता है इस संसार सब कुछ नहीं है, ये भोग सब कुछ नहीं है। नियंत्रित होकर, संयमित होकर, ज्ञानी होकर, ज्ञानवान होकर, विवेकी होकर संसार में रहता है, संसार में रहने की कला जानता है। कैसे संसार में रहना है, दुनिया में रहना किस तरह जानता है। एक विहंगम योगी, एक श्रेष्ठ साधक, एक स्वर वेद का पथिक इस ज्ञान से कभी हीन नहीं होता। जल में कमल का पत्ता है, जल में भी है और उससे अलग भी है, उससे अलग भी है, भिन्न भी है। एक विहंगम योगी सदैव सेवा में, सत्संग में, साधना में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, हाँ, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, कर्तव्य कर्म का भी पालन अनिवार्य है। बड़ा विवेकी, बड़ा ज्ञानवान होकर जीता है, रहता है। कर्तव्य कर्मों का पालन कर रहा है, लेकिन
स्वयं के विकास से, उस आत्मा के कल्याण से अलग नहीं हो सकता, आत्मा को नहीं भुला सकता, स्वयं से दूर नहीं जा सकता। हम अपने लक्ष्य को नहीं भुला सकते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार प्रकार के पुरुषार्थ ऋषियों ने बतलाए। केवल अर्थ की उन्नति, केवल काम का सेवन मात्र, इतने के लिए तो ये जीवन नहीं मिला। केवल अर्थ की उन्नति, केवल काम का सेवन, इसलिए मानव जीवन नहीं मिला है, ये शरीर नहीं मिला। हाँ, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, काम का सेवन, लेकिन लक्ष्य से हम अलग नहीं हो सकते। लक्ष्य नहीं भुलाना चाहिए। और एक साधक सदैव सेवा, सत्संग और साधना में दृढ़ होकर, स्थिर होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। जानता है संसार में सुख दुख मिश्रित है, ये भोग, ये पदार्थ, इनका मैं उपयोग उपभोग अनंत काल से करता रहा हूं। पूर्व में भी शरीर का सुख प्राप्त हुआ, पूर्व में भी अनेकानेक भोगों को मैंने प्राप्त किया है। मेरा वर्तमान जीवन केवल इन भोगों में ही समाप्त होकर नहीं रह सकता, केवल सांसारिकता में मेरा जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है।